आज हम हिंदी विषय में साहित्य विविधा इस पुस्तक से महादेवी वर्मा इनकी मैं नीर भरी दुख की बदली यह कविता देखेंगे। सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का परिचय सुनेंगे। छायावादी युग की प्रमुख आधार स्तंभ महादेवी वर्मा है। उनका महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में नारी की अंतर्वेदना को सामाजिक स्वर दिया है और उसे उदांत एक रूप देने का कार्य किया है। महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में साथी में फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी का संपूर्ण जीवन शिक्षा विकास और साहित्य साधना में व्यतीत हुआ। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करके उन्होंने उनके पश्चात वह प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्ति हुई। उन्होंने गृहस्थी से दूर विद्यापीठ में रहकर जन एवं साहित्य सेवा में अपना जीवन लगाया। साहित्यकारों की सहायता करने के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग में साहित्य संसद नामक संस्था की स्थापना भी की। उन्हें पद्मश्री की उपाधि भी प्रदान की गई है। वे शेख सरिया पुरस्कार और मंगल प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। महादेवी वर्मा ने गद्य और पद्य दोनों में ही समान अधिकार के साथ लेखन किया था। रहस्यवादी कविताओं की प्रेरणा वही प्रेरिता होते हुए भी वे दुख की प्रबल पोषिका है। विरह कातर करुणा का ही उन्होंने विशेष रूप में चित्रण किया है। महादेवी ने मुख्यतः गीत काव्य को ही अलंकृत किया है और उनका काव्य भाषा संस्कृति निष्ठ खड़ी बोली है। उनका देहांत 11 सितंबर 1987 में हुआ है। प्रमुख रचनाएं कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरज, साध्य गीत, गीत पर्व, दीपशिखा, संधिनी, परिक्रमा, नीलांबरा, आत्मिक व दीप गीत, रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण, पथ की साथी, निबंध, श्रृंखला की कड़िया, क्षणदा, संपादन बंग दर्शन और हिमालय। आज हम उनकी लिखी हुई जो कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, सबसे पहले मैं कविता पढ़ती हूँ। स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत श्वास विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरनी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकुली, छाया में मलय बरियार पली, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकाली, पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जातना जाता जाना, सुधी मेरे आंगन में आंगन की जग में, सुख की सिरहन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कन थी मिट आज चली। साध्य गीत काव्य संग्रह। यह जो कविता है वो बादल के ऊपर है, जो बादल छाते हैं आकाश में नभ में, उनका जीवन कैसे होता है और बादल का बादल की जो तुलना है वो अपने मनुष्य जीवन से और खुद महादेवी वर्मा ने अपने जीवन से किए हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, बदली यानी काले घटे घने बादल। उन्होंने कहा है कि
स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। कि जो बादल है वो घने बादल छाते हैं, जैसे कि मानो उनका स्पंदन में चीर निस्पंद बसा है और पूरे विश्व पर उनका क्रंदन हुआ है। जैसे कि बादल आते हैं, काले बादल घने छाते हैं और बाद में बारिश शुरू हो जाती है और जोरों से बारिश होकर वो बादल निकल जाते हैं, मिट जाते हैं और बादल गिरने से पूरा विश्व खुश हो जाता है, हंसता है। यह बादल खुशी बांटने का काम करता है। नैनों में दीपक जलते हैं, पलकों में निर्झरिणी मचली। ऐसा लगता है कि अपने नैनों में दीपक जल रहे हैं और पलकों में आंसू बह रहे हैं। शायद ये महादेवी वर्मा ने अपने खुद के बारे में कहा है या अपने जीवन की आशा या बदली, इनके बारे में ये वाक्य उन्होंने कहा है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। उनका कहना है कि बादल जब भी आते हैं तब उनके आने पर एक संगीत होता है, जैसे बादल पर आवाज होती है। श्वास में स्वप्न पराग झरा और उसके श्वास में, उसकी आवाज में एक स्वप्न पराग आता है, जैसे कि बादल में पूरा विश्व, पूरी अपना वातावरण खुशी से माहौल भर जाता है, जैसे कि मानो संगीत भरा है और स्वप्न में पराग झरा है। झरा यानी बहना। हर एक के श्वास में उसका सपना झर रहा है, हर एक बादल की राह देख रहा है। नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। और नभ में नवरंग भरे हैं और बादल के छाने से और बारिश के आने से मानो की नभ में पूरे रंग भरे हैं, वातावरण पर पूरा खुशी से हुआ है और दुगना हुआ है। छाया में मलय बयार पली और उनकी छाया, बादल की नभों की छाया अपने ऊपर बरसी है, इस तरह से कवि ने कहा है। वैसे ही मानव जीवन है। मानव जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, संकट आते हैं और एक छाया की, आशा की किरण आती है जो बादल की तरह अपने ऊपर बरस के अपने जीवन में खुशी भर देती है। आगे कवि कहती है कि मैं क्षितिज भ्रुकुट पर घीर धूमल, चिंता का भार बनी अविरल। रजकन पर जलकन हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकले। यहाँ पे कवि ने कहा है कि क्षितिज, जो क्षितिज है कि जहाँ पे ऐसा लगता है कि पूरा आकाश आसमान झुक गया है और वहाँ पे पृथ्वी का अंत हुआ है, ऐसे क्षितिज पर भ्रुकट मैं एक धूली कण की जैसी हो गई हूँ। चिंता का भार बनी अविरल और चिंता का भार मेरे ऊपर है, संकटों का भार मेरे ऊपर है। मैं एक रज कण हूँ, जल कण हो बरसी और बाद में यही जो मैं धूली का कण हूँ बादलों से, वही बाद में वही बादल का रूप धारण करके मैं बारिश में रूपांतरित होकर बरस रही हूँ। और बारिश बरसने से ये धूली कण खुशी के कण हो जाते हैं और नभ में जो बारिश आती है वो पृथ्वी पर गिरकर लोगों के जीवन में आनंद का, खुशी का एक अंकुर निकाल देती है, अंकुर बना देती है। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाना जाता जाना। सुधी मेरी आगन की जग में, सुख की सिरहन को अंत के लिए। ये जो बादल है वो नभ में आकाश में छाते हैं, उनके पद कभी भी मलिन नहीं होते क्योंकि वो जमीन पे नहीं, वो आकाश में होते, इसलिए उनके पग यानी पैर कभी मलिन नहीं होते हैं और उनके पैरों के आने की भी कोई निशान नहीं होते क्योंकि वो पृथ्वी पर, जमीन पर नहीं तो आकाश में, नभ में छाते हैं। सुधी मेरे अगन की जग में, और मेरे आने की सुधी, मेरे आने की आहट जग में हो जाती है। और सुख की सिहरन की अंत की, और अंत में जैसे बारिश गिरती है तो उसका अंत खुशी से हो जाता है। सब बारिश के आने से, बादल के छाने से खुश हो जाते हैं और अंत में सब आनंदी हो जाते हैं। वो आगे के पंक्तियों में कहती है, विस्तृत नभ का कोई कोना,
मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी उम्मीद आज चली। और आगे कवि कहती है कि ये जो नभ है, ये जो बादल है, ये इतने बड़े आसमान में विस्तृत नभ में छाए हुए होते हैं, लेकिन इनका कोई भी एक अपना कोना नहीं होता है। वो आज यहाँ कल वहाँ, इस तरह से पूरे नभ में वो छा जाते हैं। इतने बड़ा उनका आसमान होते हुए भी उनकी अपनी कोई भी जगह नहीं है, कोई भी उनके लिए अपना कोना नहीं है, क्योंकि बादल आज है कल मिट जाते हैं। आज आसमान में छाते हैं और कल बारिश बनकर उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। जैसे कि मानव जीवन में मनुष्य आज है, भरे संकटों में समस्याओं में जी रहा है, लेकिन दूसरी ओर दूसरा पल जीवन में खुशी का आनंद का भी होता है, परंतु वो खुशी, वो आनंद या जीवन का दुख, यह हमेशा के लिए नहीं होता है। तो एक न एक दिन मनुष्य के जीवन का भी अंत होता है, जैसे कि बादल का होता है। तो बादल का परिचय तो सिर्फ इतना ही है, इतिहास तो इतना ही है। एक बार वो बादल छा जाते हैं, बारिश के रूप में वो ज़मीन पर आते हैं, उमड़ते हैं, उससे कली खिलती है, पूरा रोम रोम जगत पृथ्वी का भर जाता है, और आखिर में बादल मिट जाते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही अपने मानव का जीवन है कि बादल के जैसे ही वो बरसते हैं, जीते हैं अपना जीवन, और एक दिन वो मिट जाते हैं, निकल जाते हैं। आशा करती हूँ मैंने जो मैं नीर भरी दुख की बदली इस कविता का अर्थ आपको स्पष्ट किया है, वो आपको समझ आया होगा। आप भी ये कविता और एक कविता का परिचय एक बार पढ़िए, आप भी अच्छी तरह से वो समझ जाएंगे। धन्यवाद।